प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर एवं देहात के डीजे संचालकों को चेतावनी दी है कि आप डीजे न बजाएं, वरना आपको जेल व 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप केवल एक साउंड बॉक्स रखें और आवाज 75 डिसमिल से कम होनी चाहिए। इसको लेकर डीजे वालों में काफी निराशा है और संचालक कह रहे हैं कि हम लोग तो भुखमरी के कगार पर पहुँच जाएंगे। अभी जिस तरह से यहाँ पर एक बैठक आप लोग की गई थी डीजे वालों की और पुलिस लाइन में, जी सर, और क्या नियम लगाया गया, क्या कैसे क्या है? सर नियम ये लगाया है कि सर अभी डीजे आज से नहीं बजेगा, अगर बजेगा तो एक साउंड बजाइए 75 डे से। तो क्या उसे संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, संतुष्ट का है सर, हम लोग के बाल बच्चे हैं सर, भूखे मर जाएंगे, एक एक इतना पैसा लगा लिए हम लोग, इससे रोजी रोजगार चलता है, 4 बच्चे हैं चलते हैं। तो क्या जो धारा 44 लगा हुआ है तो इससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं सर। नहीं तो जो मानक दिया है इन्होंने आपको दिया है कि जैसे किसी का शादी होती है जी, तो वो अब जो है अपना ले सकता है परमिशन, तो इसमें भी तो फायदा है आपको? नहीं जी, परमिशन ले सकता, लेकिन वो बोले कि एक साउंड बजाइए डीजे पिकअप, एक बस्ता कहाँ लगेगा, एक बस्ता हम लोग ला देंगे तो पार्टी पैसा कहाँ देगा। डीजे काम कब से कर रहे हैं आप? सर डीजे काम 2005 से कर रहे हैं। तो अब कैसे क्या करेंगे? अब सब वही तो सर, क्या करें, पैसे क्या होगा, बच्चे वाले बच्चे कैसे चलेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को जो है रोका गया है साउंड बजाने के लिए और एक ही साउंड की अनुमति दी गई है, तो इसमें आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही, कैसे क्या है, क्या करेंगे आप लोग? क्या सर, एक साउंड अगर हम बजाएंगे तो पार्टी हमें पैसा ही नहीं देगी, और एक साउंड पर कोई डांस नहीं कर पाएगा ना नाच पाएगा तो पैसा कौन देगा हमें, हमारे बच्चों का भलन पालन पोषण कैसे होगा, घर पे 4 बच्चे हैं, माँ बाप है, अगर डीजे बंद हो गया तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि 5 साउंड की अनुमति मिले और नियम 6 से 10 हमें मंजूर है, जो समय है 6 से 10 बजे का वो हमें मंजूर है। अगर ऐसा नहीं होता क्या करेंगे आप, अगला कदम क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए आपका यूनियन बना हुआ है, अगर वो लोग आपकी मांगे नहीं मानते तो क्या करेंगे आप? अगर वो लोग हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम यूनियन से मिलकर और आपस में जितने डीजे वाले हैं मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम आपका है? मेरा नाम है पवन कुमार मौर्या, बारून बाजार। आज अखिल विद्यार्थी परिषद ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि पूरा साल बीत गया परंतु अभी तक SC, OBC एवं गरीब छात्रों को इस वर्ष की छात्रवृत्ति नहीं मिली। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के बावजूद भी जब छात्रवृत्ति देखने जाते हैं तो सस्पेक्ट बता देता है। इस संबंध में कुलपति एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी से मिल चुके हैं परंतु कोई अधिकारी इनकी समस्या नहीं सुनता है। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे ये हैं कि फैजाबाद के अंदर SC, OBC, SC जितने छात्र पढ़ते हैं, गरीब छात्र हैं, उन सबको छात्रवृत्ति समय पर मिल जानी चाहिए। पूरा वर्ष बीत चुका है, समय खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक छात्रवृत्ति किसी को नहीं मिल पाई है। विद्यार्थी परिषद अनवरत ये आंदोलन छात्रों में करती आ रही है, देश समाज के लिए काम करती है विद्यार्थी परिषद। 1949 से लेकर अब तक विद्यार्थी परिषद 70 दशक हो चुके हैं, लेकिन देश राष्ट्र के हित में काम करने के बाद आज भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रवृत्ति के लिए लगभग आंदोलन पूरे जिले नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आज की डेट में आपको बताने चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के साथ फैजाबाद जिले में जितने हॉस्टल हैं उन हॉस्टलों की ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, ऐसी अवस्था है कि वहाँ पे ना खाने को भोजन व्यवस्था है। छात्रवृत्ति जो मामला आ रहा है तो क्या इस वर्ष से इसके पहले हुआ, कभी हुआ? नहीं, इससे इसके पिछले वर्ष भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी। कई ऐसे सस्पेक्ट बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के बावजूद लोग की छात्रवृत्ति। आज हजारों श्रमिकों ने कचहरी चौराहे से जुलूस निकाला जो कि श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर खत्म हुआ। श्रमिकों ने श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंप कर मांग किया कि शासन की योजनाओं का लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है, उन्हें हमें दिलाया जाए। मांगे क्या है, तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं में हम लोग फार्म यहाँ पर भरे हुए थे, 6 महीने से ऊपर हो रहा है, किसी श्रमिकों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। अखबार में पेपर में अलग अलग तरीके से बयानबाजी लोग करते हैं, पता नहीं किसको दे देते हैं किसको नहीं देते हैं, इसलिए इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरने पर आए। और क्या मांगे हैं आपकी, इससे मुख्य मांगे हमारी है कि श्रम विभाग में जो व्यवहार होता है वो बंद हो,
आवास का 3 लाख रुपया दिया जाए, जो जीवन चिकित्सा फार्म भरा गया उन सारे लोगों को पैसा उनको दिया जाए और शिक्षा सहायता का जो पैसा पेमेंट बताया है मजदूरों का वो दे इस मांग को लेकर क्या नाम क्या अखिलेश। आज दिव्यांगों को अधिकार एवं सुविधा दिलाने के लिए प्रसिद्ध नेता पंडित समरजीत ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अतिक्रमण के नाम पर हो रहे जुल्म से निजात दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा त्योहार पास में है परंतु अतिक्रमण से उजाड़े गए पटरी दुकानदार ठेला वाले एवं गुमटी वाले परेशान हैं। सारे शहर का धंधा चौपट हो जाने की वजह से वे बच्चे की फीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं, अतः उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्हें तुरंत बसाने की मांग की है। जिलाधिकारी के कार्यालय पास आए हुए हैं और क्या है मांगे आपकी क्यों आज क्या? हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिए और हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे गरीब एवं असहाय व दिव्यांग भाई हैं अतिक्रमण के तहत उनको हटा दिया गया है। हटाने के बाद अगर प्रशासन द्वारा उनको बसाया नहीं गया तो उनके परिवार वाले व उनके बच्चे भूखे मरने की कगार पे पहुंचने का काम करें। आज आप ज्ञापन सौंप रहे हैं और क्या है? हमारे ज्ञापन में यही मांग है कि अतिक्रमण के तहत जो भी हमारे भाई हटाए गए हैं उनको प्रशासन द्वारा जहां स्थान हो वहां उनको बसाने का काम किया जाए, क्योंकि अगर गरीब एवं असहायों की रोजी रोटी चली जाएगी तो उनके परिवार का भरण पोषण का काम कैसे चलेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी।